शहनाज गिल पर निशाना साधने के बाद आसिम रियाज ने दी है सफाई। जी हाँ, फाइनली आसिम रियाज अपनी बात पर क्लियरिफिकेशन देने के लिए सामने आए हैं और अपने सोशल अकाउंट का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आसिम रियाज ने कहा है कि दोस्तों, मुझे आप लोगों की सारी जितनी भी अटेंशन मिलनी थी मिल चुकी है और मुझे लगता है, मैं ये जानता हूँ कि मैं आपको ये सब अब क्लियर कर ही दूँ। मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले महीने ही मैंने जम्मू कश्मीर से अपना एक बहुत ही करीबी दोस्त खोया है और उसके बाद हमारे उसी ग्रुप के कुछ दोस्त गोवा में पार्टी कर रहे हैं फिलहाल। मैं उन लोग को टारगेट कर रहा था, ना कि उसे जिसे आप लोग अज्यूम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि मुझमें इतनी तो हिम्मत है, इतने तो गट्स है कि मैं ये सब चीजें डायरेक्टली बोल सकता हूँ। और मेरे भी अपने हैं, मेरे भी दोस्त हैं, मेरे भी घर वाले हैं जिन्हें मैं अपना समझ के उन्हें टारगेट कर रहा हूँ। तो प्लीज मुझे टारगेट करना बंद कीजिए और इस तरह के फालतू के लूप होल्स मत निकालिए। प्लीज फालतू की सिंपैथी लेना बंद कीजिए। जी हाँ, आसिम रियाज ने तो अपनी तरफ से क्लियरिफिकेशन दे दिया है। उन्होंने शहनाज गिल को टारगेट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपने एक फ्रेंड ग्रुप को टारगेट किया था। अब हकीकत क्या है वो आसिम रियाज ही जाने, और बाकी फैंस का तो इस पर रिएक्शन आ ही रहा है। लेकिन आप किसके बारे में क्या राय है, क्या है विचार, साझा कीजिएगा कमेंट सेशन के थ्रू। और इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।